तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मैं नाम है रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि अमेजन से हम किस तरह से ईएमआई यानी जो यहाँ पे एक तरह से कर सकते हैं किस्त पे फ़ोन कैसे लें। देर क्यों करें, जल्दी से समझाऊंगा आपको कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताना चाहूंगा, अक्सर हमारे दोस्त जो भाई बहन होते हैं नहीं बजट बन पाता है, नहीं अलाउ करता है बजट, या बजट होते हुए भी लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम किस्त पर फोन लें, ईएमआई पर फोन लें, हम एवरी मंथ मतलब प्रत्येक मंथ पेमेंट कर देंगे, उससे थोड़ा आसान हो जाता है और मांगे फोन यदि लेते हैं तो हम आसानी से किस्तों में यदि उनका पे कर दें अच्छा होता है, अच्छे से हम लोग पे कर देते हैं और हम लोग के ऊपर लोड भी नहीं पड़ता है। तो ईएमआई पे यदि आप फोन लेना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो में बने रहिए, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ईएमआई पे यानी किस्त पे आप फोन कैसे लेंगे। किस्त पे फोन लेना बिल्कुल आसान होता है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरी होती है, ज़रूरत होती है। मैं पूरा तौर तरीके बताऊंगा कैसे कैसे क्या होगा, ईएमआई पे हम लोग कैसे फ़ोन वगैरह ऑर्डर कर पाएंगे, ईएमआई पे कैसे फ़ोन खरीदेंगे ताकि हमारे ऊपर ओवरलोड कम हो और हम अपना फ़ोन भी खरीद लें। आए देर क्यों करेंगे, हमारे रिस्टार्ट करते हैं, समझते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों आइए हम इस वीडियो में सीखते हैं कि अमेजन से हम ईएमआई पर फ़ोन कैसे ऑर्डर करेंगे। पूरा तौर तरीके मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अमेजन ऐप को ओपन कर लेना है। एक बात दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे मोबाइल ऑर्डर करने के लिए जैसे यहाँ पे हर कंपनी का मोबाइल जो होता है ना, सबका अलग अलग प्राइवेसी पॉलिसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी फ़ोन तो ईएमआई पे नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ फ़ोन आपको ईएमआई पे उपलब्ध मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया, जैसे हमें चाहिए कोई फ़ोन, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं मोबाइल, यहाँ पे आपको लिखना होगा मोबाइल ऑन ईएमआई मैंने लिख दिया, सर्च की कर दिया, ठीक है। अब ये सारे फ़ोन जो हैं ये सब ईएमआई पे हैं, लेकिन आपके पास आइए मैं पूरा ऑर्डर वगैरह करके समझाता हूँ कैसे कैसे क्या होगा, ईएमआई पे फ़ोन कैसे ऑर्डर किया जाता है। सिंपल है, आपको यहाँ पे जैसे मैंने एक फ़ोन जान रहा हूँ, हमें पता है कि यह फ़ोन ईएमआई पर है। चेक आप कैसे करेंगे कि मोबाइल ईएमआई पे है कि नहीं है, आप इस पर टैप करिएगा, जो भी फ़ोन हो आपका सर्च कर लीजिएगा, और जब नीचे आएंगे तो देखिए लिखा है ईएमआई, मतलब यहाँ पे ईएमआई का ऑप्शन है अवेलेबल है, यहाँ पे देखिए लिखा है अवेलेबल ईएमआई ऑप्शन, तो इस तरह से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ोन, हमको पता है कि यह फ़ोन ईएमआई पे है, मैंने सर्च भी किया, फ़ोन हमको लेना है, जो फ़ोन है आईकाल का EN7 मैंने लिख के सर्च किया। यहाँ पे जैसे सर्च किया यहाँ पे इस तरह से हमारे सामने ऑप्शन आया और मुझे ये वाला फ़ोन ईएमआई पे लेना है, ठीक है, आईकाल EN7, इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे अब हमको क्या करना होगा, नीचे आना होगा, और नीचे जैसे ही आएंगे तो हमारे सामने यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा बाय नाउ का, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे अब हमको क्या करना है, अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पे आपको देना होगा, भर दीजिएगा। और सबसे मेन बात पे हम आना चाहूँगा कि देखिए ईएमआई का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, हम ईएमआई वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, सेलेक्ट ईएमआई वाले ऑप्शन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू कार्ड पर जाएंगे, ठीक है। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दोनों से ईएमआई पे ले सकते हैं। यदि आपके पास यहाँ पे एटीएम कार्ड है ना, तो एटीएम कार्ड के मदद से भी आप ईएमआई पे फ़ोन ले सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अपने कार्ड का डिटेल यहाँ पे इंटर करना होगा, ठीक है। आपको अपने कार्ड का डिटेल्स वगैरह इंटर करना होगा, आपका नाम आ जाएगा, कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ भर के ऐड कर दीजिएगा, और जो आपकी पहली किस्त होगी वो यहाँ से खाते से कट जाएगी, 2000 या 3000 जो भी होगा यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे ईएमआई आपको पे करना है और आपके खाते से पैसा कटता रहेगा और आपका फ़ोन आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप ईएमआई पे फ़ोन ले सकते हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।